आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के आज क्रश बन चुके हैं डैशिंग एक्टर कार्तिक आर्यन। आज सभी भी फीमेल फैंस के क्रश कार्तिक आर्यन का एक नया सच सामने आ गया है। हाल ही में उन्होंने दिया है इंटरव्यू दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसीव करने के बाद। गौर हो फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के जरिए कार्तिक ने 100 करोड़ के सुपरस्टार में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में अपना नाम शामिल किया, जिसमें कार्तिक के साथ नुसरत भरूचा नजर आए थे लीड रोल में। वैसे कार्तिक ने इससे पहले भी प्यार का पंचनामा मूवी और आकाशवाणी में भी काम किया, जिसके बाद कार्तिक ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी। लेकिन बेहद कम उम्र में, बेहद कम समय में हद से ज्यादा कामयाबी हासिल करने की वजह से कार्तिक को किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा है, ऐसे के सवाल पर कार्तिक ने दिया कैसा जवाब, हम आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान, जो कि नवाब अभिनेता सैफ की लाडली और बेहद ही प्यारी पत्नी हैं, उन्हें लेकर कार्तिक ने क्या कहा, उन्होंने किस तरह बताया कि मनीष मल्होत्रा के लिए करीना के साथ रैंप वॉक करना उनकी जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ रहा, फिलहाल उनकी कामयाबी का सबसे अहम वक्त रहा, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक करीना जो क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते नजर आए रैंप वॉक के दौरान, वो उनके दिल के सबसे करीब आ गई हैं। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स है, एंड मैं थैंकफुल हूँ पूरी टीम को एंड स्माइल फाउंडेशन को जिन्होंने ये समझा कि मैं बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद द सक्सेस, द काइंड ऑफ सक्सेस सोनू के टीटू की स्वीटी सॉ एंड परफॉर्मेंस को जितना लोगों ने पसंद किया है, आई एम रियली रियली हैप्पी। हाँ हाँ बोले बोले जी जी जी, मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, काफ़ी काम को लेकर लोगों ने बहुत तारीफ जितनी की है, और ये फैन फॉलोइंग जो आई थिंक मैंने इतना फैन फॉलोइंग जो है वो मैंने पहली बार लाइफ में इतना देख रहा हूँ, जो सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद देख रहा हूँ, ये अनरियल है ये चीज़ें जो हो रही हैं। बट मैं मतलब इट्स लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम, सो आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग, फीमेल एड्यूलेशन, व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट्स डैम गुड जी। आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स हमेशा से लवेबल रहे हैं, जो भी अगर आप पंचनामा सीरीज में देखेंगे या फिर मेरी दूसरी फिल्में में देखेंगे या सोनू के टीटू की स्वीटी में देखेंगे, वो हमेशा से एक गलत इंसान के खिलाफ रहे हैं, वो गलत ऐसा नहीं है एक जेंडर के खिलाफ रहे हैं, वो हमेशा से गलत कैरेक्टर के पीछे रहे हैं, तो वो चीज़ एक है। एंड इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप मेरी फिल्में भी देखेंगे तो वो मैंने आकाशवाणी फिल्म की थी जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, या इसके अलावा भी जो फिल्में की हैं वो काफ़ी वुमेन जिसमें पावरफुल दिखाया जाता है, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। एंड आई थिंक फिल्म हंसाती है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है आज के टाइम पे, उनको पता है कि हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या नहीं। जी आई थिंक मैं काफ़ी खुश हूँ इस स्पेस में आके, जहाँ पे मुझे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता था काम करने का, उनके साथ मुझे मौका मिल रहा है काम करने का। जल्दी मैं अनाउंस करूँगा मेरी अगली फिल्म में क्या है, बट ये बहुत अच्छा स्पेस है। आई थिंक काफ़ी वक्त लगा मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, सोनू ने मेरे लिए ये चीज़ की, आई थिंक ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर था जिसने ये सब चीज़ें हंसाता भी है रुलाता भी है, तो हर चीज़ एक डायमेंशन मेरे दिखाया इसने, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न ये सारा ब्रैकेट कंपैरिजन सारे चालू हुए हैं। एंड आई फील आगे जाके हर फ्राइडे मेरी किस्मत चेंज करता रहेगा, बट आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आई एम रियली लविंग इट। कई लोगों ने वो नहीं किया है जिस ब्रैकेट की बात है जो आपने किया है, मिसेस करीना कपूर के साथ आप रैंप पे चले जी, तो अभी तक कई लोगों को सौभाग्य नहीं मिला है।
जी आई थिंक वॉकिंग जवाब दीजिए ना सर थोड़ा गर्मी बहुत हो रही है यार यहाँ पे, आप लोग कैसे? हाँ जल्दी तो बेसिक वॉकिंग फॉर मनीष मल्होत्रा सर वॉज अमेजिंग, आई मीन अगेन विथ करीना कपूर खान, उनके साथ वॉक करना अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. काफ़ी कम लोग या ज़्यादा लोग तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए बहुत करियर में ये चीज़ें हो रही हैं, जल्दी हो रही हैं एंड अच्छी स्पीड में हो रही है, तो आई एम रियली ग्लैड जो भी हो रहा है. एंड या आई वॉज रियली हैप्पी वॉकिंग फॉर मनीष एंड विद करीना कपूर. इस नाम का अवार्ड जब दिया जाता है तो ऑब्वियसली एक अहमियत बढ़ जाती है अवार्ड की, और अवार्ड्स को मैं इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ यूजुअली, मैं आता भी नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ रिलेशनशिप्स के लिए या फिर टू प्रेजेंट एन अवार्ड, लेकिन इतना अहमियत देता नहीं हूँ. बट व्हेन इट्स नेम्ड दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड, इट मेक्स यू फील लाइक यू रियली रियली यू नो हैव बीन अप्रिशिएटेड. तो गोलमाल के लिए जब भी मुझे ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है. खासकर अभी 4 फिल्में हो गई हैं गोलमाल की, तो चौथी वाली के लिए भी अगर मुझे नोटिस किया गया तो ऐसा लगता है कि हाँ आज भी ये कैरेक्टर जीवित है, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं. आई जस्ट ट्रिम माई हेयर ऑन द साइड, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, लेट्स सी, आई माइट यूज़ इट फॉर अ फिल्म. I think people, thanks to you guys, media, everyone is getting more and more aware of what the issues are with the future generation and with bringing up children and taking care of them, safety, all these kinds of issues are coming out in front thanks to the media, and I think there should be more and more awareness so that we can be an even better society. But I think the mindsets have to change. Can't put the blame on any one individual or a group of people. It has to be collectively taken by the entire nation what's happening in our country today, and we collectively have to make an effort to change. I think that's amazing, long overdue but acha hai, aur abhi us par amal hona chahiye, tab jaake I would say that you know it's really really a good step. Let's see what the outcome is.
really happy. It's a big honor and it's a very special award. And also, aaj ye news aayi hai, Union Cabinet is taking steps towards making sure that the harshest punishment will be given to rapists and people who commit heinous crimes against girls. So I think that's a victory for every Bhoomi and every girl and her parents in this country. So I think it's a great day to get this news and happy. Subscribe and press the bell icon for latest updates.